हेलो 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 हेलो। हाँ सर, हाँ दोस्तों जल्दी जुड़ जाइए सभी लोग। जब तक आप ये सवाल कीजिए सभी लोग, जब तक और लोग जुड़े हैं तब तक ये सवाल कीजिए फटाफट से, देखते हैं कि इसमें क्या आंसर होगा सबका। बताइए इसमें क्या आंसर आएगा फटाफट। आंसर दीजिए अपना। वेरी गुड इवनिंग कल्याण, कौशल, हर्षिता, अंशु, तरुण, वेरी गुड इवनिंग। ठीक है, फटाफट से जल्दी जवाब दो अपना, जल्दी जवाब दो। हाँ बताइए, आंसर दीजिए क्या आना चाहिए इसमें। जहाँ तक कि आपको पता होगा कि जो ए ऑप्शन है, 1 और 6, ये तो फिक्स हैं। अब अपन को बात किस पर करनी है, पी क्यू आर एस, इन्हें बदलना है। बताइए अपना आंसर, बताइए क्या होगा। और बताइए जल्दी। चलो देखो मैं बताता हूँ, बताइए फटाफट। हाँ कुछ लोगों ने दिए हैं जवाब, और देखते हैं और कितने लोग जवाब देते हैं, फटाफट से देखते हैं। ठीक है, अपना आंसर देखिए, आंसर बताता हूँ आपको। कई बच्चों ने जवाब दिए हैं, ठीक है, अभी देखिए आंसर कि कंप्यूटर्स एंड मोबाइल फोन्स, ये तो आपके सब्जेक्ट हो गए। अब आपको क्या चाहिए, सब्जेक्ट के बाद वर्ब चाहिए। ग्रामर वर्ब नहीं है, आर वर्ब है, लेजी वर्ब नहीं है, रनिंग वर्ब है। रनिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है, उससे पहले सहायक क्रिया चाहिएगी हमें, तो इसमें सहायक क्रिया आ रही है, यानी सबसे पहले क्यू आएगा। क्यू आएगा तो दोनों ऑप्शन कट हो गए, कौन कौन से, दूसरा और चौथा। क्यों, क्योंकि ये आपका सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब चाहिए, और हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, आर। तो ये होगा कंप्यूटर्स एंड मोबाइल फोन्स आर टर्निंग अस इनटू, हमें किस में बदल रहे हैं, हमें मतलब हमारा बदलाव रूप क्या है। हमें ग्रामर में तो बदला नहीं जा सकता, हमें रनिंग में तो नहीं बदला जा सकता, हमें लेजी राइटर्स में बदला जा रहा है, क्यू के बाद आर आएगा। पहला ऑप्शन सही है। तो अभी पता लगा लो कि कंप्यूटर और मोबाइल फोन जो है हमें बदल रहे हैं लेजी राइटर्स में, ठीक है ना। क्या करके, रनिंग अवर स्पेलिंग एंड ग्रामर,
एंड रिड्यूसिंग अवर अटेंशन स्पान, कि रनिंग आवर क्या करके हमारी स्पेलिंग को चला करके, ग्रामर को सही चला करके और रिड्यूसिंग घटा करके हमारे किसके अटेंशन ध्यान के स्पान को, पहलू को। तो आपका आंसर QRSP होगा। सभी लोग सहमत हैं इससे, QRSP यह आपका आंसर होगा। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो, इसको करो फटाफट से, देखते हैं इसमें क्या आंसर होगा। फटाफट करो आंसर, सभी लोग देंगे। यस, आंसर दीजिए। आज कोई नया तो जुड़ा नहीं है, हेमा जुड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। सोशियल जैनित नाम से पता नहीं कौन है। ठीक है, चलो आप बताइए, जो भी जुड़े हैं, जितने भी लोग हैं, मुझे आंसर दो फटाफट से, इसमें क्या होगा। मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें कैसी कैसी है। ठीक है, आपको मैं बता देता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें क्या है। कि कमर्शियल एनर्जी जो है आपका, अगर मैं बात करूँ कमर्शियल एनर्जी की, ठीक है ना, कमर्शियल एनर्जी की बात करूँ तो ये आपका सब्जेक्ट है, ठीक है ना। इंक्रीजिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING भी हो सकती है, और ट्रेंड नाउन आ रहा है तो ये एडजेक्टिव भी हो सकती है। शोज भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में S या ES है, कंजम्पशन नाउन है, और एंड आपका कंजंक्शन है। तो आपको पता है एस से तो कोई स्टेटमेंट शुरू नहीं होगा, क्योंकि एंड से कोई स्टेटमेंट शुरू नहीं होगा। परचेजेस वर्ब है, ठीक है ना, तो इसका मतलब इस वर्ब को एक और वर्ब से जोड़ा जाएगा, ये एस गया ना। कंजम्पशन देखो, सोशियल वो कमर्शियल एनर्जी खुद नाउन है, कंजम्पशन आएगा ही नहीं, ठीक है ना। कमर्शियल एनर्जी कंजम्पशन शोज एन इंक्रीजिंग ट्रेंड एंड परचेजेस द मेजर चैलेंज फॉर फ्यूचर, ऐसे नहीं आएगा। अगर ऐसा हो तो देखो आप, कि जैसे कि कमर्शियल एनर्जी के बाद कंजम्पशन है क्या, आर से ऑप्शन है, फिर इसके बाद शोज वो दिखाता है क्या, एन इंक्रीजिंग पी है क्या, ठीक है ना, एंड परचेज इज द मेजर चैलेंज फॉर फ्यूचर, यानी कि एक तो ये ऑप्शन हो सकता है आपका। फिर अगर क्यू देखे तो क्यू भी ये इससे भी ऑप्शन हो सकता है, लेकिन पी से ऑप्शन नहीं होगा आपका। पी क्यों ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि पी एक ING वाली फॉर्म है, इससे पहले अपन को क्या चाहिएगी, हेल्पिंग वर्ब चाहिएगी अगर होगी तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है यहाँ, तो पी से भी नहीं होगा। तो आपके दो ऑप्शन बच गए, QPRS और RQPS। अब देखते हैं कि क्या आंसर आएगा। अर्थ करें कि कमर्शियल एनर्जी जो है वो क्या करती है, शोज दिखाती है एन इंक्रीजिंग ट्रेंड, कि एक बड़ा बढ़ती हुई क्या हो रही है, ट्रेंड आ रहा है, बढ़ता हुआ फैशन आ रहा है, किसका बढ़ता हुआ ट्रेंड आ रहा है, एंड और पजेजेज, और दिखाता है द मेजर कंजम्पशन को, कि मुख्य खपत हो रही है ना, मेजर कंजम्पशन चैलेंज फॉर द फ्यूचर, कि खपत जो चुनौती है, खपत चुनौती मतलब किस तरीके से कोई चीज़ अब उपभोक्ता जो खपत कर रहे हैं तो उसकी चुनौती भविष्य में किस तरीके से बढ़ती हुई जा रही है, इस चीज़ को दिखाते हैं। तो अगर दोनों ऑप्शन की बात करें तो मेरे हिसाब से तीसरा ऑप्शन ज़्यादा सही है। क्यों, क्योंकि कंजम्पशन चैलेंज आते हैं, मतलब खपत की चुनौतियाँ आ रही है ना। देखो कोई व्यक्ति, जैसे मैंने कही लाइट के खंभे लग रहे हैं, लाइट के, अब कोई व्यक्ति लाइट को कितनी खपत कर रहा है और उसे चुनौती आ रही है, जितनी हम खपत करेंगे उतनी किसी चीज़ की आपूर्ति कम होगी। मैंने बहुत ज़्यादा हम लाइट कहते हैं सेव इलेक्ट्रिसिटी, सेव वाटर, सेव फ्यूल, ये सब बचाने पर क्या चुनौतियाँ ही तो होती है, अगर नहीं बचाते तो। कंजम्पशन चैलेंज मतलब कंजम्पशन है ना, चैलेंज से पहले आना चाहिए। तो ऐसा ऑप्शन देखो जो आर अंत में आ रहा हो, एक मिनट देख लें, एक मिनट, एंड परचेज द मेजर कंजम्पशन, नहीं इंक्रीजिंग ट्रेंड, एक मिनट, ये तीसरा ऑप्शन गलत है भैया, गलत है। एक बार देखो, कमर्शियल एनर्जी कंजम्पशन यानी कि कमर्शियल एनर्जी की जो खपत है वो शोज दिखाती है इंक्रीजिंग ट्रेंड, एक इंक्रीजिंग ट्रेंड को, एंड परचेज द मेजर चैलेंज फॉर द फ्यूचर, एस बाद में आएगा, ये चौथा सही है आपका आंसर,
बिल्कुल, कई बच्चों ने चौथा दिया, हर्षिता वर्मा का फोर्थ सही है, राम नरेश का फोर्थ सही है, अंशु चौधरी का फोर्थ सही है, सबका सही है, फोर्थ फोर्थ सही है, मैं ही गलत सोच गया था, फोर्थ सही है, बिल्कुल फोर्थ सही है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं इसी बात पर, लो अगला देखो, ये लो करिए, अगला कीजिए फटाफट से, देखते हैं कौन कितना जल्दी करता है, सबसे पहले जवाब कौन देखता है ये देखते हैं। हाँ भैया, उठाओ कॉपी पेन, फटाफट से देखो क्या आएगा पहले। मंडेला को तो सब जानते भाई, मंडेला लेड द बैटल ऑफ फ्रीडम, मंडेला ने नेतृत्व किया स्वतंत्रता की लड़ाई का, अगेंस्ट स्लेवरी, दासता के खिलाफ, गुलामी के खिलाफ, गुलामी के खिलाफ, द वे वॉज फाइटिंग विद नॉन वायलेंस द ट्रुथ, ये वे किस तरीके की बात कर रहा है, ही फॉट इट इन ए यूनिक वे, वो एक इसे किसे मतलब बैटल को, बैटल अभी इट ने बैटल के लिए आ रहा है तो मतलब क्यों पहले आएगा, कैसे पता लगा, इट जो है ना इट, ये किसी ना किसी के लिए आ रहा होगा, वो लड़ा क्या, लड़ाई लड़ा, लड़ाई ऊपर आ गई थी, बैटल पहले आ गया था, तो पहले मंडेला के बाद यानी कि क्यों आएगा स्टेटमेंट, तो क्यों किसमें, ये लो आंसर आ गया भैया, QPRS आंसर आ गया है, राम नरेश ने दूसरा सही बताया है, कल्याण प्रसाद का गलत था, ठीक है बिल्कुल सही है। देखिए कि मंडेला ने लड़ाई लड़ी स्वतंत्रता की स्लेवरी के खिलाफ, और वह लड़ा इस लड़ाई को एक अद्वितीय तरीके से, और वो तरीका जो था, क्योंकि बात भी आएगा, वो तरीका वो था जो फाइटिंग कर रहा था, वो लड़ाई लड़ रहा था नॉन वायलेंस और ट्रुथ से, जिससे गांधी जी लड़े थे, ठीक है ना। अब क्या हुआ कि दिस स्ट्रगल, ये संघर्ष जो है, ब्रॉट द रेसिस्ट, जातिवादियों को ले आया डाउन टू द ग्राउंड, जमीन पर, धरातल पर, और कई राष्ट्र जो है उन्होंने अब स्वतंत्रता प्राप्त कर ली इस तरीके से, लेकिन कुछ राष्ट्र जो है अभी भी वो डिजायर्ड फ्रीडम को नहीं प्राप्त कर पाए। ये आ गया आंसर, ये लो साहब, 1 सेकंड के अंदर ये सवाल हो गया है, मतलब ज्यादा नहीं लगा, 1-2 सेकंड के अलावा इसमें ज्यादा समय नहीं लगा है। चलो तो मैं अगले सवाल पर चलता हूँ, चलो इसको करो फटाफट से। इस सवाल को कीजिए, स्विच ऑफ कर दो, देखिए बनाइए आंसर फटाफट फटाफट, किसने दिया है अभी तक बताइए इसका। हाँ, एक भैया ने दिया है, 4, चौथा ऑप्शन बोला है उन्होंने, खुशबू सिंगल ने भी 4 दिया है, कल्याण प्रसाद ने भी 4 दिया है, हर्षिता वर्मा ने 3 दिया है, और बताइए, कौशल मंगल ने 4 दिया है, बताइए आंसर बताइए फटाफट, अंशु चौधरी, राम नरेश, अपना आंसर बताओ। हाँ बताइए फटाफट,
देखिए, जिन लोगों ने तीन ऑप्शन बताया ना वो सही है बिल्कुल। जिन लोगों ने ऑप्शन तीन बताया वो सही है। कैसे? कि सिनेमा एक बहुत ही वैल्यूएबल टीचिंग एड है। कैसे? कि हिस्टोरिकल फिल्म जो है वो टीचर की मदद करती है। भाई सिनेमा किस तरह से मदद करता है, टीचिंग टीचिंग में मदद कैसे करता है? कि हिस्टोरिकल फिल्म तो किस में मदद करती है, हिस्ट्री में। साइंस कैन ऑल्सो बी टॉट वेरी इफेक्टिवली, तो साइंस भी पढ़ाई जा सकती है बड़ी प्रभावपूर्ण तरीके से सिनेमा के माध्यम से, ठीक है ना। और सिनेमा जो है वो मनोरंजक भी है। क्यों? क्योंकि देखो मनोरंजन कैसे है, फिल्म फिल्म मनोरंजन का भाग है। तो फिर ये वाला पार्ट एस एन पी के बाद आएगा कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल लाइक सोशल फिल्म्स। इस प्रकार से सिनेमा का गहरा प्रभाव है हमारी समाज पर। तो आपका आंसर क्या आएगा? तीसरा। बिल्कुल सही है, तीसरा ऑप्शन सबका सही है। चलो अब आगे चलते हैं। ये वाला सवाल तो हमने कर लिया था, वेपर वाला। ये शर्लोक होम्स वाला भी कर लिया था, आर्किटेक्चर वाला भी कर लिया था, वेन द इम्प्रेशनिस्ट वाला भी कर लिया था, इंडिस्क्रिमिनेट इंडस्ट्राइजेशन वाला भी कर दिया। ये वाला करना है, बताना इसको करना फटाफट। जितने भी लोग हैं इसको बनाओ फटाफट से, कीजिए इसको। अ मैन इज बॉर्न अलोन, एक आदमी अकेला पैदा होता है। गुड एंड बैड क्या है? एडजेक्टिव है, ठीक है ना। इनके बाद कोई नाउन चाहिएगा अपन को, ठीक है ना। ही एक्सपीरियंसेस, वह कौन के लिए आया? मैन के लिए आया है। एंड डाइज, तो ये एंड वाली बात बाद में आएगी, ठीक है ना। अब पता नहीं कब आएगी। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ, कॉन्सिक्वेंसेज यानी परिणाम, किसके परिणाम होते हैं। कॉन्सिक्वेंस परिणाम कैसे हो सकते हैं, अच्छे और बुरे। तो ये तो पता लग गया, अच्छे और बुरे परिणाम होते हैं। मतलब पी के बाद क्या आएगा? एस आएगा। तो ऐसा देख लो जिसमें पी के बाद एस है। इसमें है, ठीक है। इसमें है, नहीं है। इसमें है, नहीं है। इसमें है, नहीं है। ये आंसर क्लियर हो गया, लेकिन फिर भी पता कर लो कि मैन इज बॉर्न अलोन, एक इंसान अकेला पैदा होता है, एंड डाइज अलोन, और अकेला ही मरता है। एंड और ही एक्सपीरियंसेस, और वो अनुभव करता है द गुड एंड बैड कॉन्सिक्वेंसेज, अच्छे और बुरे परिणाम किसके? ऑफ हिज एक्शंस अलोन, अपने ही कार्यों के अकेला। तो कैसे हुआ आंसर? कि डाइज अलोन मतलब आर से शुरू होगा, ठीक है ना। एंड ही एक्सपीरियंसेस क्यू आएगा, फिर उसके बाद पी एस आएगा। यानी कि ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। बिल्कुल राम नरेश, हर्षिता, हर्षिता जैन, वर्मा, दोनों का सही है, बिल्कुल सही है। फर्स्ट क्लास आंसर आपके, मोगे मो खुश हुआ। आगे चलो, देखो। द रेलवे हैव लॉन्च्ड वेयर वन कैन फाइंड ऑन अ गूगल मैप ऑन ऑनलाइन एप्लीकेशन द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ 6,500 ट्रेन्स ऑन अ रियल टाइम बेसिस। करके बताओ उसको फटाफट से। जल्दी से बताइए। हाँ देखो, क्या आंसर बता रहे हैं? अजय मीना ने तीसरा बताया, हर्षिता ने तीसरा बताया है। देखो हाँ, करते हैं। देखो, देखिए आप, कि रेलवे ने लॉन्च किया है, पूछो क्या लॉन्च किया। ऑब्जेक्ट चाहिएगा, ऑब्जेक्ट बेयर नहीं है, ऑब्जेक्ट ये नहीं है, ऑब्जेक्ट एन एप्लीकेशन, एक ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी आर से शुरू होने वाला स्टेटमेंट आएगा। ये गए, हटाओ, आर से आ गया। फिर भी देख लो कि रेलवे ने लॉन्च किया है एक ऑनलाइन एप्लीकेशन, किस पर? ऑन ए गूगल मैप, एक गूगल मैप पर। ये कि नहीं, ऑनलाइन एप्लीकेशन क्या की है, लॉन्च की है। वेयर, जहाँ पर वन कैन फाइंड, जहाँ पर कोई व्यक्ति पा सकता है। क्या क्या पा सकता है? द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ 6,500 ट्रेन्स, ठीक है ना, ऑन अ गूगल मैप ऑन रियल टाइम बेसिस। तो ये ऐसा हो जाएगा, आर पी एस क्यू आपका आंसर है। जी डियर्स, ये आपका क्वेश्चन हो चुका है सॉल्व। द ट्रांजिशन फ्रॉम, इसको करो बात नहीं पहले बात। अरे यार क्लास में बात नहीं भाई, क्लास में बात मत करो, आप आंसर दो।
अंशु का आंसर आया थर्ड। राम नरेश ओके सर, ये आंसर नहीं है बेटा। देखिए ट्रांजिशन फ्रॉम आ रहा है तो टू आएगा, फ्रॉम स्कूल टू कॉलेज पी पहले आएगा, ये दोनों ऑप्शन गए, पी पहले आएगा। तो ट्रांजिशन फ्रॉम स्कूल मतलब ट्रांजिशन यानी बदलाव किससे, स्कूल से कॉलेज तक, ठीक है ना। इज डिमांडिंग, वो मांग कर रहा है, ठीक है ना। इज डिमांडिंग, वो मांग कर रहा है। वन मस्ट मीट इट, और एक व्यक्ति को इस डिमांड को पूरा करना चाहिए विदाउट एक्सपेक्टेशन, बिना किसी उम्मीद के। तो पहले पी आएगा, पी के बाद अपन का एस आएगा, एस के बाद अपन का आर आएगा, आर के बाद अपन का क्यू आएगा। ये अपन के आंसर्स होंगे, यानी कि क्वेश्चन का ये जो अपन का आंसर होगा वो होगा डायरेक्ट दो, आंसर दो होगा। बिल्कुल सही है सबका, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन लीजिए फटाफट से। हाँ सिंपल सा क्वेश्चन है। इसे जल्दी कीजिए। फ्रॉम द माउंटेन्स टू सी द जेंटल फ्लो ऑफ द रिवर, इट इज वेरी प्लीजेंट। तो देखो ये सभी बदल जाएगा। इट इज वेरी प्लीजेंट, ये बहुत सुहावना है। डी पहले आएगा, क्या करना, टू सी देखना, द जेंटल फ्लो किसका, साधारण सा बहाव या सज्जन सा बहाव किसका, ऑफ द रिवर नदी का, फ्रॉम द माउंटेन्स, ठीक है ना, कहाँ से, पर्वतों से। तो अपन का आंसर आया डी बी सी ए, डी वी सी ए। देखो कहाँ है डी वी सी ए, ये दूसरा है, ये गए सब। बिल्कुल सबका सही है। आप लोग जवाब तो दे नहीं रहे सीरियसली, तो मैंने कहा मैं ही दे लेता हूँ, क्या करूँ। अगला देखो, अगला करो, अगला सवाल कीजिए। द प्रोग्राम एग्जामाइंस, यानी कि जो कार्यक्रम होता है वो परीक्षण करता है द फोर ग्रेट इन्वेंशंस को, चार महान आविष्कारों को, सेलफोन्स, कार्स, प्लेन्स एंड स्काई स्क्रैपर्स। द पीपल पजेजेस, लोग रखते हैं, पीपल पजेजेस, लोग रखते हैं आइडियाज एंड यूरेका मोमेंट्स को। द प्रोग्राम सेलिब्रेट्स द डिफाइन दैट डिफाइन एंड कंटिन्यूअली शेप द मॉडर्न वर्ल्ड, जो डिफाइन करते हैं और लगातार शेप करते हैं मॉडर्न वर्ल्ड की, दैट हैव लेड टू दियर डेवलपमेंट, जो अपने डेवलपमेंट पर ले गए हैं। देखो लेड, पहले पता लगाओ, देखो क्या आंसर आएगा तुम्हारा, फटाफट जवाब दो, जवाब दो, देखते हैं किसका क्या आता है, फटाफट सभी लोग जवाब दीजिए। कल्याण का दो, अंशु का दो, खुशबू सिंगल दो। आप तो ये देख लो कि हैव लेड, ले जाने का काम कौन करेंगे, लोग ले जाने का काम करेंगे लोग, पीपल, ठीक है ना, पीपल लोग करेंगे, तो क्यू वाला स्टेटमेंट लास्ट में आना चाहिए। तो इन दोनों में लास्ट में है, तो ये दोनों कट गए। अब देखो कौन सा आएगा, एस पी आर क्यू आएगा या एस आर पी क्यू आएगा। सही है, जितने भी लोग आंसर दे रहे हैं सबके आंसर सही हैं, दो ही है आंसर, बिल्कुल दो सही है। बिल्कुल सही है, हाँ। तो कैसे हुआ सही, देखो एक बार, कि जो प्रोग्राम एग्जामाइन करती है चार ग्रेट इन्वेंशंस को, वो इन्वेंशन क्या करते हैं, दैट, वो इन्वेंशन डिफाइन करते हैं। दैट किसके लिए आ रहा है, डिफाइन कौन करेगा, डिफाइन लोग तो करेंगे नहीं, लोग पहले प्रोग्राम सेलिब्रेट्स करेंगे, तो प्रोग्राम सेलिब्रेट्स करता है। अभी भी एक बार बताओ, देखो ये डिफाइन करता है किसको, मतलब ये डिफाइन करते हैं और कॉन्टिन्यूली और लगातार शेप देते हैं मॉडर्न वर्ल्ड को, किसको, मॉडर्न वर्ल्ड को। द प्रोग्राम, और ये कार्यक्रम है फुल स्टॉप, कार्यक्रम सेलिब्रेट करता है, किसे सेलिब्रेट करता है, सेलफोन्स को, कार्स को,
प्लेन्स को और स्काई स्क्रैपर्स को, यानी गगनचुंबी इमारतों को, ठीक है ना, गगनचुंबी इमारतें होती हैं स्काई स्क्रैपर्स, ठीक है ना। फिर उसके बाद में क्या होगा कि द पीपल जो लोग हैं पजेज रखते हैं आइडियाज विचारों को एंड यूरेका मोमेंट्स और खुशी के क्षणों को दैट हैव लेड, वो ले चुके हैं, ले जा चुके हैं अपने आप को टू दियर डेवलपमेंट, अपने विकास की ओर, ठीक है ना। यहाँ आ जाएगा ये अपना आंसर, यानी कि अपना सेकेंड नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसको करिए, लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, ये लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए। कल क्लास लगेगी नहीं आपकी, आज भी बड़ी मुश्किल से मैं टाइम निकाल पाया हूँ, 7-8 मिनट 10 मिनट लेट है अपनी क्लास आज, क्योंकि आज मैं टाइम ही नहीं निकाल पाया था, आज मैं कहीं अटक गया था किसी काम में। तो देखिए, अ फुलिश बुल, एक मूर्ख जो भेड़िया था, सौ उसने देखा एक घोड़े को चढ़ते हुए एक खेत में और निर्णय लिया कि वो उसे खाएगा। द बुल वेंट, घोड़ा वो भेड़िया गया और खड़ा हो गया घोड़े के पीछे जाकर, आश्चर्य करते हुए कि घोड़े की पूंछ जो है वो एक पासपोर्ट थी। तभी उसी समय उसने प्राप्त की एक किक लात अपने चेहरे पर और दो दांत जो है उसके मुंह से टूट गए। अगर तुम आओगे और देखोगे मुझे पीछे से तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा एक पासपोर्ट है। क्या है पासपोर्ट, भेड़िया ने पूछा। जब घोड़े ने देखा तो बुल्फ बुल्फ को, तो वो बोला कि तुम मुझे नहीं खा सकते, मेरे पास एक पासपोर्ट है। तो बुल्फ ले लेट गया डेज, यानी औंधी औंधा होकर के या बेहोश होकर के हॉर्स ने अपने आप का एक अच्छा सा बचाव किया। बताओ, बिल्कुल कल क्लास ऑफ रहेगी। SRQP, अच्छा कई बच्चों ने SRQP जवाब दिया है। बिल्कुल सही है आंसर, बिल्कुल सही है, हर्षिता ने एक बार में आंसर दिया है, बिल्कुल सही है। देखो कैसे कि एक मूर्ख से भेड़िया ने एक घोड़े को देखा जो चल रहा था खेत में और निर्णय लिया है उसे खाने का। तो जब घोड़े ने देखा भेड़ियों को तो वो बोला कि तुम मुझे खा नहीं सकते, मेरे पास एक पासपोर्ट है। ये पहला ये हटा देता हूँ, हाँ मेरे पास एक पासपोर्ट है। तो एस पहले आएगा, तो एस तो केवल एक ही ऑप्शन में एस है। देखो इसका मतलब तुम बहुत जल्दी आंसर देने लग गए अपना, इसका मतलब आप दक्षता आ रही है ना, जो लोग लगातार जुड़ते हैं वही कुशल होते हैं। ये जो आते जाते हैं ना, ये आते जाते रह जाते हैं, एग्जाम उनके सामने आती जाती हैं चली जाती हैं, वो बुजुर्ग ही हो जाते हैं लेकिन लगते नहीं है जॉब पर। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे जो जॉब पर लग पाते हैं, वो वही लग पाते हैं जो परसिस्टेंट होते हैं। तो देखो कि जो घोड़ा है उसने बुल्फ को देखा और कहा कि तुम मुझे नहीं खा सकते, मेरे पास एक पासपोर्ट है। तो यो कहा पासपोर्ट है, तो बुल्फ ने पूछा भाई पासपोर्ट क्या होता है। तो घोड़े ने कहा अगर तू आएगा और मेरे पीछे खड़ा हो जाएगा तो मैं दिखा दूंगा कि पासपोर्ट क्या है। तो भेड़िया गया और घड़ा जाकर के घोड़े के पीछे खड़ा हो गया, देखा कि क्या उसकी पूंछ एक पासपोर्ट है। तो उसी समय घोड़े ने लात मार दी और वो भेड़िया जो है उसके मुंह से दो दांत गिर गए, ठीक है ना, और जो भेड़िया है वो नीचे गिर गया और घोड़ा वहां से बच गया। तो इस तरह से एक छोटी सी कहानी पर ये बना हुआ था। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, कल बिल्कुल ऑफ रहेगी क्लास, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में नई क्लास में सोमवार के दिन। तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम, गुड डे गुड बाय, पार्ट नंबर 5 के साथ। तब तक बाय बाय।